नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं बता रहा हूं आपको भावों का वर्गीकरण एक शब्द में, यानी कुंडली के 12 भाव होते हैं, उन भावों को एक शब्द में बताया जाए कि भाव का कारक क्या है, एक शब्द, और उसके बेस पे ही सारी प्रेडिक्शन की जा सकती है अगर आप उसका अर्थ समझ गए तो। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है समझने में अर्थ। मैं आपको बताता हूं, जैसे कुंडली हम एक यहाँ ले लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये कुंडली, पहला भाव इसमें होता है तन का भाव, ये हम जानते हैं। ये सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ है, वैसे तो बहुत चीजें होती है इससे, तन है, यश है, स्वास्थ्य है, सब चीज देखी जाती है, हर भाव के बहुत कारक होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक शब्द का चीज बता रहा हूँ कि एक शब्द से हम लोग कैसे इस चीज को निकालेंगे। तो तन का कारक होता है पहला भाव, यानी आदमी का शरीर, पैर के नखून से लेके और सर के बाल तक सारी चीज इसके अंडर में। शरीर के बारे में जो भी बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो या किसी चीज की बात भी हो, वो हमेशा पहले भाव से ही देखी जाती है, तन भाव से, क्योंकि आप स्वयं हैं, लगन जो है वो आप स्वयं, तो वो तन भाव हो। दूसरा भाव होता है धन भाव। धन भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, आदमी का धन भाव, यानी उसका धन कितना है उसके पास। अब देखिए इसमें क्या चीजें हैं, धन से ही दूसरी चीज भी निकलती है। एक चीज ये निकलती है कि पहले जमाने में तो ज्यादा नहीं, कुछ 40-50 साल पहले या 30-40 साल पहले ऐसा होता था कि जिसका परिवार बड़ा होता था, लोग कहते थे बड़ा धनी आदमी है, पारिवारिक उसके पास काफी अच्छा धन है, कुटुंब से प्यार है, तो धनी माना जाता। वाणी जिसकी अच्छी हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरों को शीतल करे आपा उसी कर, ये दोहा तो कबीर का हमने सुना ही है। तो वाणी भी धन का कारक है, वाणी से भी धन आप उपार्जन कर सकते हैं, अगर आपकी वाणी बहुत अच्छी है तो धन उपार्जन कर सकते हैं। तो इसलिए धन के साथ साथ वाणी भी, कुटुंब भी, परिवार भी, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। लेकिन अगर एक शब्द में देखें तो दूसरा भाव धन, किसी भी भाव का दूसरा भाव धन, आप ऐसे लगा लीजिए कुंडली में, आपको इस तरीके से करना है। मैं आपको अभी बताऊंगा उसके बारे में, तो अब आपको आनंद आएगा उस चीज के अंदर। तीसरा भाव बल। अब आप कहेंगे छोटे भाई बहन क्यों नहीं है, छोटे भाई बहन तो है कि छोटे भाई बहन भी तो आपका बल होते हैं। आप कहेंगे माताहत क्यों नहीं है, आपके जो अंडर में काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो उसके लिए भी सिंपल सी बात है कि अगर वो भी आपके अच्छे हैं, उनसे रिलेशन आपके अच्छे हैं, तो वो भी आपका बल होंगे। आपका खेल कूद है, वो भी आपका बल चाहिए खेल कूद के लिए भी। तो कहने का मतलब है कि तीसरा भाव का एक शब्द अगर हम लें तो बल है, और हर भाव का तीसरा भाव उसका पराक्रम है, उसका बल। चौथा भाव सुख भाव। सुख भाव चौथा भाव, माता की गोद का सुख हो, चाहे चाहे वैसे मानसिक शांति हो, वो सारा सुख, जो भी सुख की बात करेंगे हम, जिस प्रकार का भी सुख संसार में है, वो सारा सुख हम चौथे भाव से देखेंगे। और किसी भी भाव का चौथा भाव उस भाव का सुख भाव होता है। आपको धन से सुख मिलेगा या नहीं, तो हम पांचवा भाव देखेंगे, क्योंकि धन से चौथा भाव देखेंगे हम, 1 2 3 4, तो ये पांचवा भाव जो है धन के सुख का भाव होता है। तो किसी चीज से भी आपको सुख मिलेगा या नहीं, ये चीज आप उससे चौथे भाव से देखिए। आपको अपने बल से धन मिलेगा या नहीं, सुख मिलेगा या नहीं, उसको भी बल से चौथे भाव से देखिए। क्या आपको अपने पराक्रम से सुख मिलेगा या नहीं, आपको अपने छोटे भाई बहनों से सुख मिलेगा या नहीं, वो कहाँ से देखें। तो आपके छोटे भाई बहन का भाव तो तीसरा हुआ, और सुख का भाव चौथा होता है लगन से, तो तीसरे से चौथा लगा दीजिए, 1 2 3 4, तो छठा भाव जो है वो आपको ये बताएगा कि आपको अपने छोटे भाई बहनों से सुख मिलेगा या नहीं। पांचवा भाव विवेक का भाव होता है। जितनी भी बातें विवेक से संबंधित होंगी, इंसान के विजडम से संबंधित होंगी, वो सारी चीजें आपकी पांचवे भाव से देखी जाएंगी। शेयर में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, प्रेम संबंध जारी रखूं या ना रखूं, वो सब चीजें, हायर एजुकेशन में बहुत नाम कमाऊं, ये सब चीजों के लिए विवेक की बहुत आवश्यकता है। तो विवेक
भाव होता है, या उसको कई जगह में एक शब्द में इसको संतान भाव भी कहा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भाव से पांचवा भाव उसका विवेक है, किसी भी भाव से पांचवा भाव संतान भाव, तो ये चीज आप आइडिया लगा सकते हैं। छठा भाव होता है शत्रु का, शत्रुता भी बहुत जरूरी होती है संसार में। अगर किसी का शत्रु नहीं तो जीवन बड़ा नीरसा हो जाता है, बट हेल्दी कंपटीशन हो अनहेल्दी कंपटीशन ना, तो शत्रु का जो भाव है वो छठा भाव होता है। किसी प्रकार की भी शत्रुता हम लोग यहाँ से देखते हैं। सातवां भाव सांसारिक भोग का भाव, कुछ जगह इसको एक शब्द में जाया भाव कहा गया है। जाया मीन्स पत्नी का भाव, स्पाउस का भाव, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, लेकिन हम इसको सांसारिक भोग का भाव मानते हैं। और ये मानते हैं कि किसी भी भाव से सातवां भाव उसका सांसारिक भोग, आप उस भाव का फलों का क्या भोग कर पाएंगे वो उस भाव से सातवें भाव से देखिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये आय का भाव है या लाभ का भाव, 11वां भाव, तो 11वें भाव का आप कैसा सांसारिक भोग कैसे करेंगे आप, इसका जो आपको आय मिलेगी अच्छा करेंगे या अच्छा नहीं करेंगे, कैसा आपका भोग होगा उस आय का, तो वो इससे सातवां भाव होगा यानी पांचवां। तो आपको ये एक शब्द देने का मतलब सिर्फ ये है कि आप ये समझें कि हर भाव से उतने नंबर का भाव आपका वही भाव होता है जिसको एक शब्द दिया गया है। तो सांसारिक भोग का भाव होगा सातवां। आठवां भाव आयु का भाव होता है, किसी चीज की भी आयु अगर आपको निकालनी हो तो उस भाव से आठवें भाव की आयु हो गई, तो आठवां भाव आयु का भाव है। यूं तो आठवां भाव बहुत चीजों का भाव होता है, ऑकल्ट साइंस का भाव होता है, गाड़ी खजाने का भाव होता है, इस तरह की चीजें बहुत देखते हैं, लेकिन मैंने एक शब्द के बारे में आपको बताया कि किसी चीज की भी ये देखना है आपने कि कब तक चलेगी ये, कब तक लाइफ है इसकी, तो उस भाव से आठवां भाव तक देखिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। सपोज करो कोई आपसे पूछता है कि भाई आपकी जो मौसी हैं वो कैसी आयु की रहेंगी, दीर्घायु रहेंगी या क्या रहेंगी, तो पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा मौसी का भाव कौन सा हुआ। तो मौसी चौथा भाव आपकी माता का भाव होता है, तो माता से छोटे भाई बहन यानी पहला दूसरा तीसरा, छठा भाव मौसी का भाव हुआ, और छठे से आठवां भाव सातवां और आठवां, ये पहला भाव जो हुआ ये मौसी की आयु का। तो आपको समझ में आया कि कितना मीनिंग है एक शब्द में देने से। नवा भाव भाग्य का भाव होता है, भाग्य से संबंधित बातें जितनी भी हैं वो सारी नवे भाव से दिखी, और हमारा भाग्य विधाता में सबसे बड़ा रोल हमारे पिता का भी होता है, इसलिए पिता को भी यहां से दे। दसवां भाव कर्म का भाव, कर्म से संबंधित सारी बातें, जो भी कर्म हम करते हैं चाहे वो हमारा दैनिक नित्य कर्म हो चाहे हमारी वो आजीविका हो, वो सारी चीजें दसवें भाव से देखी। 11वां भाव हमारा आय का भाव है, लाभ भाव जिसे, किसी भी भाव से 11वां भाव उसका लाभ भाव हो, कोर्ट केस में लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, छठे भाव से कोर्ट केस देखा आप उसका लाभ देखेंगे उससे 11वें, छठा भाव कोर्ट केस का होता है और उससे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका 11वां भाव देखेंगे कुंडली का, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या कोर्ट केस जीतने के आसार हैं या नहीं है, क्योंकि कोर्ट केस का लाभ उसका 11वां भाव बताएगा। 12वां भाव होता है व्यय का, जितने प्रकार का व्यय हो चाहे वो हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे आपके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो चाहे कोई नेसेसरी एक्सपेंडिचर भी हो, वो सारी चीजें 12वें भाव से देखी जाती है। विदेश भी जाते हैं तो भी आपका व्यय होता है, तो इसलिए विदेश को भी 12वें भाव से, तो हर भाव का 12वां भाव उसका व्यय हो उसकी हानि हो, हर भाव का 12, अगर आपको देखना है इस भाव का व्यय कैसा है क्या है तो उसका 12वां भाव तो आपको मालूम चाहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हम जुलाई में क्लास स्टार्ट करने वाले हैं सोशियोलॉजी की, जो लोग इच्छुक हों वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय